हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रिया सिंह और आज है मतलब ग्रहण है आज। तो आज कुछ भी फेस्टिवल नहीं है, ना ही दिवाली, ना ही वो गोवर्धन कल है। तो आज अभी हमारा सुबह का टाइम शुरू होता है। मतलब मैंने भी पूरे घर में चाल पोछा कर लिया, मम्मी भी थोड़ा सा खाना बनाई है और पापा मेरे लिए लेके आए हैं अभी ये छोले और कुलचे, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। तो अभी मैं ये छोले कुलचे खाऊंगी और आकाश अभी बाहर गया है, मम्मी पापा नीचे गए हैं, तो अभी मैं छोले कुलचे खाती हूँ। तो यहाँ पर अभी शिवानी की शादी की तैयारी चल रही है, तो मेहंदी लग चुकी है, बस शादी दोज की है, ये भैया दोज के लिए वैसे ही जो भी है, तो मेहंदी लग गई है ना, तो हमने ये मेहंदी लगा दी इसके। तो शादी तो करोगी नहीं करोगी? बहुत टाइम है उधर मम्मी ने भी तैयारी कर लिया कि शिवानी की शादी के लिए, भाई मैं भी पूरी कर लेती हूँ। मम्मी पूरे मेहंदी लगा के रेडी हो चुकी है। अभी तो फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हैं हम, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें टाइम देता है अभी एंजॉय कर लो हमारे साथ, फिर तुम्हें जाना एक दिन, तो जैसे तुम आई थी। हाँ, जैसे मैं आई थी। सुनो, शिवानी की शादी और तुम क्या पहनोगे? कहाँ पे हो रही है? अरे तुमको पता ही नहीं है, यहाँ मेहंदी लग गई उसकी, तुम्हें ये पता ही नहीं कहाँ हो रही है शादी? हद है यार, मम्मी के देखो, मम्मी ने भी लगा ली, इसीलिए मैं तैयार होकर बैठी, उनके पे भी लगा रही हूँ ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है प्रिया, ऐसी कह रही है मम्मी ज्यादा घबरा गई, शिवानी ज्यादा मम्मी ज्यादा घबरा गई है। पहले पढ़ाई पर ध्यान पाए कि हाँ शिवानी पे पढ़ाई करो पहले, बाद में शादी की बात, पहले पहले अभी लाइफ में कुछ करो अच्छे से, सही बात। चाचा सही बोल रहे हैं, मैंने नहीं थी पहली बोली थी, चाचा सही बोल रहे हैं, ये शादी नहीं होने देंगे तेरी, देख अच्छी बात है ये, अच्छी। अरे सही है, मजाक कर रहे हैं, ठीक है, ज्यादा सीरियस मत लेना। और शिवानी से ज्यादा शिवानी की मम्मी ना सीरियस हो गई है, घबरा गई है वो, मेरी लड़की चली जाएगी मुझे छोड़ के। किसी की बेटी लाओगी ना? हाँ, नहीं मन करता छोड़ के, चलो ना लाओगी, एक दोगी एक लाओगी, और क्या, ये बात तो है, बस अब रो मत देना, ठीक है, अभी नहीं भेज रहे हम, अभी तुम पहले भाई दिवस मनाओ ना, उसके बाद करना, ठीक है, विदाई के टाइम आएंगे। हाँ ये बात भी है। यहाँ पर हमारा एक और हाथ हो चुका है मेहंदी का, इसकी भी शादी बड़ी जल्दी करने वाले हम। तुमको आ रही होगी, मेरा होगी नहीं, मतलब बाद में होगी ना, मैं तो वही बोला होगी, मैंने भी तो ये बोला होगी, सात आठ साल कभी भी होनी तो नहीं, सात आठ साल तो लगी जाएगी, ठीक है, दस साल बोला पहले, दस साल बोला था, चलो अगली बार आऊंगी तो शायद और कम हो जाएगी, नहीं होगी। अभी मैंने यहाँ पर अपनी एडिटिंग फिनिश करी है सबके मेहंदी लगाने के बाद, आज पूरे दिन मैंने मेहंदी में लगा, क्योंकि मेरे को तो कुछ और मिल रहा था, मैं क्या करूँ, तो फिर मैंने सबके पकड़ के हाथ में सबकी मेहंदी लगा दी, अभी मैंने यही लगाई थी, मैं सोच रही कल लगाऊंगी, कल है गोवर्धन और वैसे भी ग्रहण था, कुछ और काम कर भी नहीं सकते थे, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि अभी सबकी मेहंदी लगा देती हूँ बैठ के, तो मम्मी के और शिवानी के और अपने नंद वगैरह के सबके मेहंदी लगा दी है। अभी फिलहाल मैं वीडियो जल्दी से करती हूँ, अभी लगाने के लिए, मतलब अपलोड के लिए लगाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है यहाँ पर, तो अभी मैं रात में लगा दूंगी, तो सुबह तक आराम से मतलब हो जाएगी, तो फिर मैं शेड्यूल कर दूंगी। चलो फिलहाल एक्टिंग खत्म करते हैं। इतनी ज़्यादा एक अलग सी फीलिंग आ रही है, क्योंकि हर बार मैं अपने घर वालों के साथ बनाती थी दिवाली, लेकिन ये पहली बार है कि मैं उनके साथ नहीं बना रही हूँ, बट एक अलग और एक्सपीरियंस साथ में है, क्योंकि मैं आकाश है और मम्मी पापा है, उनके साथ में बना रही हूँ, तो बहुत अलग टाइप की फीलिंग है मुझे यहाँ, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते मुझे यहाँ मज़ा आ रहा है, मुझे यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है, और सबके साथ मतलब एक अलग टाइप की चीज़ें पता चलती हैं, मतलब कि जैसे कि आकाश के यहाँ पर वो भी होता है, क्या बोलते हैं इनको, बालाजी की पूजा होती है, जो कि हमारे यहाँ कभी ऐसे नहीं होती थी, तो फिर बालाजी की पूजा करी हमने, मतलब पूजा पाठ में भी एक अलग शांति मिल रही है, तो वो भी हमने करी। आज तो ग्रहण था, आज तो हमने कुछ कराई नहीं, आज हम बहुत लेट भी उठे, मतलब मैं करीब 9 बजे करीब उठी हूँ आज, और मम्मी भी आज लेट उठी थी, तो फिर हमने थोड़ा जल्दी खाना वाना बना के, 2 बजे का ग्रहण शुरू होने वाला था, तो उससे पहले हमने खाना पीना बना के खा के हम फ्री हो गए थे,
और फिर हम सबके सब बैठे एक साथ नीचे बैठे हुए थे, गप्पे मारने लग रहे थे, तो फिर हम मैंने किसी सबकी मेहंदी लगा दी और इधर उधर की बातें करी, वो सब लोग आप लोगों ने व्लॉग में देख लिया है। अभी बस हम खाना खाएंगे एंड कल गोवर्धन है तो फिर कल गोवर्धन बनाएंगे। यहाँ पर मम्मी ने पापा ने बहुत सारे प्लांट्स इकट्ठे कर रखे हैं अलग अलग टाइप के। आज खाने में मम्मी ने बनाई है कड़ी और ये चटनी है, मतलब ये थोड़ी छौकी भी चटनी है, मतलब कैसे बताऊँ कि टमाटर प्याज लहसुन सबको लेके पहले पीसा है, उसके बाद फिर मिक्स मतलब मिक्सिंग पीसने के बाद फिर थोड़ा ऑयल और जीरा डाल के ना इसको हल्का सा मतलब छोका है मैं बोल सकते हो, और फिर निकाला, बहुत ही टेस्टी लग रहा है, मतलब सब्जी के साथ ले खा रही हूँ मैं, थोड़ी सी इसमें चटनी डालू थोड़ी सी ये बेसन डाल रही हूँ तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है। तो मैंने पहली बार खाई है ऐसी चटनी और मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं अब कभी कभी अपने घर में बनाया करूँगी। तो अभी मैं फिलहाल ये खा रही हूँ कड़ी और मम्मी से आ चुकी है, आकाश गया है अभी, आकाश अभी गया है अपनी स्कूटी में, थोड़ा सा कुछ हो गया था तो मतलब सर्विस सेंटर में लेके गया है तो उसकी सर्विस कराने के लिए। उसके अलावा पापा बाहर गए, मम्मी नीचे चले गए हैं खाना लेके, मतलब नीचे खाएंगे खाना, मम्मी मैं भी खा रही थी, मैं मतलब नीचे गई थी, फिर मैं खा के मम्मी के पास नीचे जाऊँगी बैठूंगी उनके साथ। और मैंने अभी पहना है ये मेरा सूट है, ये भी मतलब वेलवेट में है, और ये मैंने जस्ट जो हमारा रिसेप्शन हुआ था उसके मैंने नेक्स्ट डे पहना था, उसके बाद दूसरी बार मैं अब पहन रही हूँ, मतलब बहुत सारे ऐसे कपड़े जो मैं सिर्फ एक या दो बार ही पहने, मतलब ये दूसरा नंबर आया है इसका, और ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये मुझे सुराने दिलाया था और उन्होंने कहा था कि तू पहनेगी तो ही बता, मैं तभी दिलाऊंगी मैं नहीं दिलाऊंगी। तो ये थोड़ा सा ठंडी होती है ना उस टाइम पर पहनने के लिए बड़ा अच्छा है, तो मुझे हल्की सी भी ठंडी लगती तो मैंने चक्कर में ये पहन लिया है और बहुत ही मतलब अच्छा लगता है। इसका जो वर्क है पूरे में वर्क हो रखा है, ये हमने ऑफलाइन लिया था सुधर बाजार से मेरठ में, तो वहाँ से मैं लिया था, इन्होंने बोला सुनाने बड़े मन से दिलाया था, तो मैंने मुझे जैसे मैंने ये पहना ना तो मुझे बड़ा वो याद आया कि सुनाने बड़े मन से दिलाया था कि चल तेरी शादी हो रही है मेथर से ये है और इसको पहनियो जरूर, तू शादी के जस्ट बाद पहनियो ऐसा करके पहनियो, मतलब हमारा एक अलग ही प्यार है जैसे सोना का हमारा, मतलब हमें लगता ही नहीं कि हम भाभी है और नंद है, मतलब रहता बहनों की तरह जैसे रहते हैं ना सब ऐसे ही है, तो वैसे जैसे मैंने पहना है तो मुझे उनकी याद आई। अभी चलो मैं खाना खाती हूँ, उसका मैं नीचे जाऊँगी मम्मी के पास बैठूँगी तोड़ने के लिए, और कल मुझे यहाँ से जाना है कल, क्योंकि भाई जो है आजा गोवर्धन, सो शाम के टाइम पर गोवर्धन पूजा करेंगे और बहुत मज़ा आएगा सबके साथ में। तो यहाँ पर बन गया है हमारा गोवर्धन, ये भैया ढंग से लगाओ ऐसा थोड़ी होता है, ये है पतला, वो तुमने बहुत अच्छे से वो किया है पूरे कृष्ण जी उसमें बनाया है ये, हाँ कृष्ण जी अच्छा लग रहा है। एक वो भी तो होता है ऐसे गोले गोले बना के ऐसे पूरा वो बनाते हैं, जैसे वो नहीं बनाते हैं स्नोमैन सा बनाते हैं सर के ऊपर, हाँ सर के ऊपर ऐसे गोले गोले बनाते हैं सर के ऊपर ऐसे करके पूरे में बनाते हैं, मुकुट बनता है चुकिया बनती है गोवर्धन, हाँ वो बनती है ना, हाँ हाँ चुटिया मुकुट बनाया है, गोबर मिला नहीं था हाँ। गोबर पतला हो गया तो छोटे से गोवर्धन, ठीक है और क्या बन गया ना हमारे गोवर्धन। चाची कलर करना है, चलो कलर करते हैं कपड़े तो बनाना है, हाँ ये धोती है ना इनकी इसमें हाँ। थोड़ा सा कलर होगा, चलो ठीक है ठीक है लाओ। कंप्लीट से होने वाले हैं हमारे गोवर्धन जी, यहाँ सब लगे हुए हैं बनाने, उन्हें ये दिन में रही हूँ लेकिन बनाया सब लोगों ने, सबकी मेहनत है भाई, हाँ सही बात है। ये हमारा डॉगी बैठा है वॉचमैन, फिर यहाँ पे इनकी शेड है जिसमें गैया वगैरह सब लोग हैं, फिर कौन कौन है फ्रेंड्स बैठे हैं और ये दूध बेचने वाले हैं वो खरीदने वाले हैं, सही है ये मॉडल जमाना है वो। हाँ। वॉचमैन फ्रेंड्स प्लेस बना है सब लोग गैया चंदा सूरज है, हाँ सबसे ऊपर हमारे चंदा मामा और सूरज कौन होते हैं चाचू, सूरज चाचू हाँ। तो हमारे गोवर्धन तैयार हो चुका है बिल्कुल, मतलब हो चुके हैं भैया। यहाँ हमने बनाया सूरज चांद और यहाँ पर ये है पर्वत, इधर बांसुरी और शिवानी लोगों को सब कुछ जानकारी शिवानी दे दी है, ग्वालन है और दही दूध बेचने वाली है, उसे बताओ आएगा बताना पड़ेगा ना क्या ग्वालन है बताओ, ये ग्वालन है वो जो दही बेच रही है, हाँ ये पैरीदार है वो कुत्ता बैठा है, अच्छा इधर ये वाला ठीक है, ये जो गाय है हाँ ठीक है,
और यहाँ पर ये जो बैठे ये पंचायत लग रही है। अच्छा ठीक है सही है। और ये पर्वत है इनका जो उठा रखा है अपनी उंगली पर उन्होंने। ठीक है दिवाली गिफ्ट आफ्टर दिवाली हाँ चलो इसमें से ले लो यहाँ चल रहा है तभी वो तुझसे पूछ रही थी। हाँ तो तुम्हारे पास थी चाची करिश्मा ना जुगाड़ करने गई थी इसी चीज की चॉकलेट अब ये सब बच्चों बांटने वाली है। बड़ी बच्ची मैं हूँ देखो अरे खाओ अरे नहीं नहीं खाओ सारे मेरे एक ही दे सही है सारे भाभी के हाँ तेरे में पैर छू क्या भी चलो या फिर नेहा से पूछ देते हैं।